आई एम डॉक्टर रिमी सिंगला। आज मैं आपसे प्रेगनेंसी एंड कोविड 19 को लेकर के कुछ बातें डिस्कस करना चाहूंगी। क्या कोविड 19 का प्रेग्नेंट फीमेल्स को अधिक खतरा है? इसके लिए अभी हमारे पास टिल नाउ बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रेग्नेंट फीमेल में उसके शरीर में बहुत सारा बदलाव होने के कारण उसको नियमित तौर से जो बाकी सब प्रिकॉशंस ले रहे हैं वही प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। अपने हाथों को धोना चाहिए, मास्क पहन के रखना चाहिए, और इसके अलावा बाहर कहीं अस्पताल या डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो सैनिटाइजर जरूर यूज करना चाहिए, और अगर खांसी और जुकाम है तो डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। क्या कोविड 19 एक प्रेग्नेंट फीमेल से उसके नवजात शिशु को ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं, इसके लिए अभी हमारे पास बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक कोविड 19 प्रेग्नेंट फीमेल अगर वो पॉजिटिव होती है तो ड्यूरिंग डिलीवरी उसको कोई ट्रांसफर का खतरा नहीं है, लेकिन बाद में डिलीवरी होने के बाद इन क्लोज अप्रॉक्सीमेशन विद द मदर तो थोड़ा बहुत रिस्क जो है एक नवजात शिशु को आ सकता है, उसके लिए शी हैज टू कंसिडर ऑल दी प्रिकॉशंस। तीसरा, क्या ब्रेस्ट फीडिंग कराना इन द टाइम ऑफ कोविड 19 वो डेंजरस है कि नहीं है? ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट एट ऑल डेंजरस फॉर एनी प्रेग्नेंट मदर। उसको करना क्या चाहिए, सिर्फ जो अपनी ब्रेस्ट है उसको अच्छे से वॉश करना चाहिए, गर्म पानी से धोना चाहिए, और अपने हाथ तो हैं ब्रेस्ट फीडिंग कराने से पहले अच्छे से वॉश करना चाहिए। इसके अलावा नियमित तौर से जो भी टीवी पे या लगा लो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस चल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी हिदायतें आ रही हैं उसको नियमित तौर से उसकी पालना जरूर करनी चाहिए। और उसके अलावा अगर उनको कोई क्वेश्चन आता है या कुछ पूछने की आशंका रहती है तो वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से या अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपना एक हेल्पलाइन नंबर दे रही हूं जिससे आप कोई भी प्रेगनेंसी रिलेटेड एंड कोविड 19 अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो आप डायल कर सकते हैं 9815500448, 9815500794। थैंक यू।